बड़वानी से 5 किलोमीटर दूर ग्राम भिलखेड़ा स्थित है। भिलखेड़ा गांव सरदार सरोवर बांध से डूब प्रभावित है। भिलखेड़ा की कुल जनसंख्या 900 है। भिलखेड़ा में डूब प्रभावितों का आज तक पूर्ण रूप से पुनर्वास नहीं हुआ है। हमारे परिवार में हम 7 भाई है। हमको 5-6 भाइयों को हमको 5 एकड़ जमीन की पात्रता है। जी आर ए ने अभी तक ना तो कोई ज़मीन दी है और ना ही हमको किसी प्रकार का कोई मुआवजा दिया है। नहीं, मेरे पिता की ज़मीन सरदार सरोवर बांध से 25% से ज़्यादा डूब में होने कारण से अधिग्रहण की गई। ज़मीन 2000 में अधिग्रहण करी और तब से ही पुनर्वास का काम एनवीडी द्वारा शुरू किया गया। 2000 में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन देना चाहिए। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को विस्थापित पीड़ित व्यक्तियों को हर साल 15,000 रुपये साल के हिसाब से जब तक ज़मीन न मिले तब तक देना चाहिए। और ज़मीन भी खेती लायक और सिंचित ज़मीन देना चाहिए, साथ में घर प्लाट भी देना, ऐसा आदेश हमको जीआरए साहब ने ये दिया। लेकिन 2013 के बाद भी अभी तक कोई इसका पालन नहीं हुआ। जीआरए ने भी कई आदेश दिए हैं कि विस्थापितों को अतिक्रमित ज़मीन या विवादित ज़मीन नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आदिवासियों का आपसी कलश होगा और उसमें झगड़े होंगे, इसलिए वो ज़मीन नहीं दे सकते। ऐसे कई बार उसने जीआरए साहब ने भी आदेश दिए, लेकिन उनका कोई पालन नहीं है। एनवीडीए से कई बार मांग किया कि हमको ऐसी ज़मीन दी जाए जहां अतिक्रमण ना हो और सिंचाई युक्त हो, खेती लायक हो और घर वहीं पर घर प्लाट भी दिया जाए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए फिर अचानक नर्मदा घाट विकास प्राधिकरण के बड़े अधिकारियों ने कहा कि अभी वयस्क पुत्रों को हम नहीं देंगे। एक-एक जमीन 8 लोगों को बेची गई है, जो जमीन है नहीं, जो मालिक है नहीं, उसके बदले दूसरे को खलफुड़ा करके झूठे अंगूठे और फोटो लगाए गए। भूमिहीनों को मूल अनुदान केवल दिया है और बकरी दी और बैल दिया और दुकान खरीदा ये बताया है। पुनर्वास स्थलों का भ्रष्टाचार ऐसा है, इसको खुला करके भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए। कई बार सरकार ने हमको बताया है और नोटिस दिया है कि तुम्हारा घर डूब जाएगा, इसलिए खाली करो करके एक तरफ वे धमकियां भी दे रहे हैं, एक तरफ खाली करने के लिए नोटिस भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ज़मीन का कोई यहाँ पर ऑफर नहीं दिया गया। इस वीडियो को देखने वाले सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भी मेरी मदद करें। बड़वानी ज़िले के पुनर्वास अधिकारी श्री VS गोवा, जिनका मोबाइल नंबर है 94254-60-521 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि विस्थापितों को अपना अधिकार मिले। मैं पवन सोलंकी, मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले से, इंडिया अनहट के लिए।